बहुत अच्छा लगा है जिस तरीके से उनका अवतार दिखाया गया है एकदम कूल डूड का, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। इससे पहले भी हमने कॉकटेल में देखा है उनका इस तरीके का अवतार, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ज़्यादा इतने कूल डॉटर, इतने कूल डैड हमने अब तक कभी नहीं देखा था, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक कूल डैड के अवतार में दिखाया है इस सॉन्ग के अंदर, इस फिल्म के अंदर, कहीं भी नहीं लग रहा कि वो डैड है, वो उनके बॉयफ्रेंड लग रहे हैं वैसे भी अगर देखा जाए तो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है एक कूल डैड का अवतार, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, ओहो जिन्हें मेरा मार, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग लगा है। मैं इस एनर्जेटिक लग रही थी इस गाने में, जितनी ज़रूरत है उतनी एनर्जी, जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से मैं ज़्यादा ही बोल सकती हूँ, जितनी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं सुपर से भी ऊपर इसको बोल सकते हैं हम। फोर सो फाइनली ट्रैक आउट हो चुका है जिन्हें मेरा दिल लुटा, कैसा लगा ये गाना आपको? ये गाना बहुत ही ज़्यादा पहले से ही हिट सॉन्ग है, लोग उसको ऑलरेडी इतना पसंद करते हैं, एंड जिस तरीके का सॉन्ग है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, इट्स लाइक ये बहुत ही ज़्यादा सूट भी कर रहा है जिस तरीके से सिचुएशन दिया गया है उस पर, तो इस मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इट्स लाइक एक यंग डॉटर एक फादर के बीच में जिस तरीके की केमिस्ट्री होनी चाहिए, लाइक उस तरीके से हमें लग ही रहा है। आई थिंक वी ऑल नो कि सैफ कितने मेच्योर है एज अ डैड भी एंड एज एन रियल लाइफ पर्सन भी, और उन्हें वो मेच्योरिटी दिखती है अगर वो कोई भी कैरेक्टर प्ले करे, सो ही जस्ट नेल्ड इट। तो अगर मैं बात करना चाहूँ सैफ अली खान की, तो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं फुल ऑन एनर्जेटिक मोड में इस गाने के। हाँ, जो जिस तरीके से एनर्जी लेवल चाहिए इस सॉन्ग में, वो फुल एनर्जी दिख रही है उनके अंदर, अलायर में भी दिख रही है। इनफैक्ट तब्बू का ज़्यादा तो कुछ था नहीं रोल, फिर भी वो भी अच्छी लग रही है, बट दोनों ने जस्ट किल कर दिया। तो कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ फाइव इस गाने को? 3.5। सो ट्रैक आउट हो चुका है फाइनली, कितना मज़ेदार लगा गाना? काफ़ी अच्छा गाना है, सैफ अली खान जब भी आते हैं स्क्रीन पे तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, और गाना भी काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से फिल्माया गया है वो भी बहुत खूबसूरत है। लिरिक्स में सैफ और अलाया की बात करूं तो फादर डॉटर केमिस्ट्री कैसी लग रही है ऑन स्क्रीन? बेहतरीन। और क्या कहना चाहिए? और ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा है, और जिस तरह से उसका बज़ बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है, और सैफ ने इससे पहले कॉकटेल की थी, कुछ इसी तरह की मूवी थी, वो लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मूवी भी लोगों को काफ़ी पसंद आए। अच्छा, गाने की आजकल रीमिक्स का ज़माना चल रहा है, इस गाने की एनर्जी कैसी लगी आपको? हाँ, रिमिक्स का क्रेज़ है, लेकिन बहुत सारे रिमिक्स जो है बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसकी बात करूँ तो ये मुझे गाना काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अलग है। 3.5। ट्रैक आउट हो चुका है, कैसा लगा गाना? गाना तो बहुत अच्छा लगा, अपग्रेड हुआ है, पहले से डीग्रेड नहीं हुआ है, रीमेक पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपग्रेड हुआ है, नॉर्मली तो रीमेक हमेशा गाने को डाउनग्रेड कर देता है। अच्छा, सैफ और अलाया की फादर डॉटर केमिस्ट्री कैसी लगी? सैफ की केमिस्ट्री तो हर एक के साथ अच्छी होती है, इसके साथ भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, इस गाने की जो एनर्जी है सैफ अली खान कैसे लग रहे हैं इस गाने में आपको परफॉर्म करते हैं? बड़े प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनको मतलब सूट कर रहे हैं वो इस गाने को लेकर, उतनी एनर्जी है उनमें जितना इस गाने में है। कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर, कितनी एक्साइटेड है और फिल्म का कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग तो है, बहुत नया सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गाने के लिए तो पहले से 5 ही था, अभी भी वही होगा। गाना अच्छा ही है, पुराना गाने जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं लगा, सिर्फ बीच में एक नया ट्रैक डाल दिया है, बट द सॉन्ग इज़ गुड, हैज़ अ गुड वाइब, आई थिंक इट विल डू वेल, बट ऑब्वियसली आपने जैसे कहा रिक्रिएट किया हुआ है, पुराना ही सॉन्ग है, सो ओरिजिनल होता तो और अच्छा लगता, बट ठीक है, आई थिंक दिस विल ऑल्सो बी लाइक बाई द ऑडियंस। अच्छा, सैफ और अलाया की अच्छी लग रही है अभी तक जितना देखा है उसमें, आई थिंक समवेयर उनकी रियल लाइफ भी रैपो वैसा ही होगा, बिकॉज ही इज़ अ सीनियर एक्टर टू हर एंड शी स्टार्टिंग आउट, सो देयर वाज दैट कॉमन फैक्टर आई वुड से, तो अच्छी लग रही है अभी तक जितना देखा है, इट्स गुड, फिल्म में पता चलेगा कैसे। गाने की बात हो गई, एक्टर्स की बात हो गई, सिर्फ अगर
सैफ इज गुड यार, आई लाइक हिम, ही इज एंड ही इज ऑलवेज लव्ड इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर रोल दैट ही इज प्लेइंग दिस, ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी जो प्ले करते हैं हमेशा अर्बन वाला, तो ये वाले में भी होपफुली यू नो दिस शुड वर्क फॉर हिम बिकॉज हिज लास्ट फ्यू सोलो फिल्म्स हैव नॉट डन वेल, सो आई होप दिस वर्क्स फॉर हिम. ओके, सो लास्टली जाते जाते कितने स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5 ये गाने को? I don't know, I'll give 2.5 stars. And film ke liye excitement hai? Yes, kafi. Yeah, I can't wait to see Saif in this avatar again. Okay.